हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। इन एन एसी जनरेटर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 100 टन्स ईच हैविंग एरिया 14 × 10⁻²² के 2 m² इज रोटेटेड एट 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ई एम एफ प्रोड्यूस विल बी वोल्टेक पाई बराबर 22/7। सोल्यूशन देखो, एसी जनरेटर में यहाँ दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे वैसे तो इंड्यूस ई एम एफ जो फॉर्मूला होता है, ई बराबर एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये होता है, आपने पढ़ा होगा ये। इसे आप ऐसे ले देते हैं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो ठीक, इसी को ये पूछा हमसे मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू एन ए बी ओमेगा हो जाएगी। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, काम खत्म। लेकिन ये कैसे आया थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसमें एक आर्मेचर कॉयल होती है ये, ठीक है। इसमें आपके नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे लगे हुए हैं, और ये इस एक्सेस के अबाउट इसको यहाँ से हम घुमा रहे हैं कॉस टेंट एंगुलोसिटी ओमेगा से, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो देखो यहाँ जो बोला है ना, रोटेटेड इतने अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो ये एक्सेस इसके परपेंडिकुलर है। तो अब देखो, इनिशियली हम ये मान के चलते हैं कि बी प्लेन के परपेंडिकुलर है, इफ एज्यूम कर लेते हैं, और कुछ डायग्राम इस तरह से बना लेते हैं, थोड़ा सा 3D हो जाएगा कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और रेक्टेंगल कॉइल ऐसे हो गई बेटा, ये रेक्टेंगल लूप हो गया, और ये इस एक्सेस के अबाउट आपका घूमना चाहता है इनिशियली। देखो ये रेक्टेंगल लूप मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये लूप था ऐसे, था ऐसे, इसको ऐसे कर तो ये लाइन दिखेगी बस केवल आपको यहाँ पे, तो रेक्टेंगल लूप ऐसे खड़ा हो गया बेटा ये वाला, और रेक्टेंगल लूप का ये क्या हो गया प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है नॉर्थ टू साउथ, और रेक्टेंगल लूप इसको ऐसे से ऐसे कर दोगे तो ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे इस जगह पर, और ये रेक्टेंगल लूप का प्लेन हो गया जो दिखाई नहीं दे रहा हमें। तो प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया की दर्शन होती है, वो बाहर की तरफ होती है ऐसे। तो इनिशियली ये मानो आप बेटा, मैंने ये इनिशियली लेट किया है टी बराबर 0 पर, आपकी ये पोजीशन है, और टी बराबर 0 पर एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ए, ये जो थीटा है ये 0 डिग्री है। देखो बी और एरिया दर्शन सेम। अब ये घूम रहा है एंगुलोसिटी ओमेगा से, तो 30 सेकंड में कितना एंगल से घूम जाएगी, जितने एंगल से घूमेगी तो बी की दिशा तो चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर कॉयल घूमती है जैसे यहां से, एरिया की दिशा ऐसे थी यहां पे बाहर की तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर, और जब ऐसे घूमी तो 90 डिग्री घुमा आपका रेक्टेंगल कॉयल, तो एरिया भी बी और एरिया के बीच में 90 हो गया, सॉरी 0 डिग्री हो गया, पहले 90 था अब 0 हो गया, तो है ना। तो ये इस जगह पर हम देखें तो अगर ओमेगा एंगुलरिटी से घूम रही है तो 30 सेकंड में मान लो वो थीटा एंगल घूम जाती है रेक्टेंगल कॉयल, और जितना एंगल आपका रेक्टेंगल कॉयल घूमेगी उतना ही बी और एरिया के दर्शन के बीच में एंगल हो जाएगा आफ्टर 30 सेकंड, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ द कॉयल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ द रेक्टेंगल कॉयल, वन टर्न ऑफ द रेक्टेंगल कॉइल, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी इतना हो जाएगा। लेकिन टोटल फ्लक्स निकालना है एन टर्न से, क्योंकि उसमें एन टर्न है रेक्टेंगल कॉइल में, एन टर्न है, तो एक टर्न से इतना फ्लक्स, तो एन टर्न से एन फाई, तो एन इंटू फाई की वैल्यू हो गई बी ए कॉस ओमेगा टी, ये टोटल फ्लक्स हो गया। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी,
तो एन बी ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, तो साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अगेन करेंगे तो टी का वन हो जाएगा और ओमेगा आगे आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेता हूँ ओमेगा, इतना डिफरेंशिएशन हो गया। और फेराडे के सेकेंड लॉ से इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस का डी फाई टोटल बटे डी टी, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फेराडे का सेकेंड लॉ है। ईएमएफ निकाल लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी। तो इफ अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो देन इंड्यूस ईएमएफ भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और साइन की टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो प्लस वन होती है, इसीलिए ई की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो आई ओमेगा एन बी ए। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर लेना, तो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई यहाँ पे और सॉल्व कर लेते हैं, और ये डायरेक्टली याद होता है तो सबसे बेस्ट होता है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, ये डेरिवेशन स्टाइल हो गया पूरा, है ना, इतना थोड़ी करते हैं वहाँ पे, एक बार पता होना चाहिए। चलिए ई बराबर वैल्यू पुट कर लीजिए, एन की वैल्यू बता दीजिए भाई, इस ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ई की मैक्सिमम वैल्यू, तो ई वाली वैल्यू पुट कर दो बेटा, एन ए बी ओमेगा, एन की वैल्यू 100, एरिया की वैल्यू है 14 × 10⁻², बी है 3 टेस्ला, और ओमेगा निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रेडियन पर मिनट सेकंड नहीं है बेटा, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है, एन इज इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन है, एक मिनट लिख रहा है, मिनट में सेकंड में चेंज कर लो उसे, सेकंड 0 से 0 कट गया, 6 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ गया, इसीलिए ओमेगा बराबर होगा 2π × n, एन इज अ फ्रिक्वेंसी, तो 6 रखेंगे तो 6 × 2 12π हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड आ जाएगा बेटा ये, तो यहाँ इसकी वैल्यू है 12π, पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है दे रखिए टेक, और इंटीजर टाइप्स क्वेश्चन है तो 3.14 मत रखना, ठीक है 7 से कट गया ये 2, और इससे ये कट गया। अब क्या करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें 12 का 2 में तो 24 हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें 66 हो गया, और 24 और 66 में मल्टीप्लाई कर लो, 4 से पढ़ लो, 4 हंस लगी 2 और 24 और 2 26, फिर 2 से पढ़ लो 2 और 12 और 1 13, ऐड कर लो 4 6 2 8 5 और 1, तो ये हो गया 1584, इतना बोल्ट आ गया, यहाँ भर लो 1584 बोल्ट, इंटीजर टाइप है, इंटीजर ही वैल्यू आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा, आपको ये सब नहीं करना था, आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए इसी जनरेटर का बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है इसकी, ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।